ओके, सो इस पजल में क्या गिवन है उसने हमसे बोला है कि फाइव बॉक्सेस जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं वर अरेंज्ड इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, नॉट पर्टिकुलरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन. एक रो में पांच बॉक्सेस हैं. ईच बॉक्स हैड सम रेड बॉल एंड सम पिंक बॉल. हर एक बॉक्स में कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ पिंक बॉल्स हैं, ठीक है. नंबर ऑफ विच वेरीड बिटवीन 1 to 5, जिनका नंबर वेरी करता है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है. नो टू बॉक्स हैड सेम नंबर ऑफ सेम कलर्ड बॉल. किसी भी दो बॉक्स में सेम कलर की सेम नंबर ऑफ बॉल्स नहीं है. जैसे कि अगर एक बॉक्स में आपके पास पिंक बॉल 5 है तो दूसरे बॉक्स में पिंक बॉल 5 नहीं होंगे, ठीक है. उसके बाद ईच बॉक्स हैड एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 पिंक बॉल. हर एक बॉक्स में कम से कम एक रेड और एक पिंक बॉल है, ठीक है. उसके बाद द प्राइस ऑफ ईच रेड बॉल इज़ ₹3 एंड द प्राइस ऑफ ईच पिंक बॉल इज़ ₹5. और हर एक रेड बॉल का प्राइस कितना है? ₹3 है और हर एक पिंक बॉल का ₹5 है. अज्यूम द डायरेक्शन एज पर योर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है. तो ये आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी पर बेस्ड उसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं. इन कंडीशंस को लिख लेते हैं, देखिए. सो कंडीशंस उसने क्या बोली है कि द बॉक्स विथ 2 पिंक बॉल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द बॉक्स विच हैड बॉल्स वर्थ ₹34. ओके, तो उसने बोला कि आपके पास वो बॉक्स जिसके पास 2 पिंक बॉल है, ठीक है, मैं पिंक बॉल को यहाँ पर लिखता हूँ, 2 पिंक बॉल है, वो सेकेंड टू द लेफ्ट है उस बॉक्स से जिसका वर्थ कितना है? 34 है. अगर 34 है तो देखो, 3 इंटू रेड बॉल्स प्लस 5 इंटू पिंक बॉल्स इज इक्वल्स टू 34. तो अगर मैं रेड बॉल्स की बात करता हूँ, अगर 1 है इन दैट केस 5 के मल्टीपल में नहीं है, 2 है 5 के मल्टीपल में नहीं है, 3 है तो ये आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद रेड बॉल्स 4 तो आपके पास नहीं हो पाएगा. अगर मैं रेड बॉल्स 5 लेता हूँ तब भी आपके पास 5 के मल्टीपल में नहीं बच पाएगा. मतलब क्या, इसकी 3 और 5 यही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास, ठीक है. उसके बाद उसने क्या बोला है कि बॉक्स बी हैड टोटल 3 बॉल्स. ओके, बॉक्स बी में टोटल आपके पास 3 बॉल्स है, फाइन. बॉक्स सी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बॉक्स विच हैड 5 रेड बॉल्स. ओके, बॉक्स सी में, बॉक्स सी का है वो इमीडिएट लेफ्ट में उस बॉक्स से जिसमें 5 रेड बॉल्स है, ठीक है. बॉक्स डी हैड 4 पिंक बॉल्स एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई. बॉक्स डी में आपके पास 4 पिंक बॉल्स है और वो कहाँ? इमीडिएट लेफ्ट में ई से, फाइन. बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड एट द लेफ्ट एंड. बॉक्स बी लेफ्ट एंड पर नहीं है, ठीक है. उसके सी हैड ऑड नंबर पिंक बॉल. सी के पास ऑड नंबर पिंक बॉल है, ठीक है. उसके बाद वर्थ ऑफ बॉल्स इन बॉक्स डी इज नॉट द हाईएस्ट. ओके, आपके पास जो बॉक्स डी है उसमें जो बॉल्स का वर्थ है वो हाईएस्ट नहीं है, ठीक है. उसके बाद नो बॉक्स हैड सेम नंबर ऑफ रेड एंड पिंक बॉल्स, ठीक है. किसी भी बॉक्स में सेम नंबर ऑफ रेड और पिंक बॉल्स नहीं है. उसके बाद वर्थ ऑफ बॉल इन बॉक्स ए इज इन मल्टीपल ऑफ 5. ओके, मतलब क्या, जो बॉक्स ए है उसका जो टोटल प्राइस है वो 5 के मल्टीपल में है, ठीक है. उसके बाद इफ बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट 1 एंड देन बॉक्स ई विल बी एट द अदर एंड. ओके, अगर सी आपके विल नॉट बी, ओके, अगर सी आपके पास एक एंड पर है तो ई आपके पास एंड पर नहीं होगा, ठीक है. उसके नो बॉक्स हैड बॉल्स वर्थ ₹22. ओके, अगर 22 का नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम रेड और पिंक बॉल्स की बात करें तो रेड आपके पास अगर 1 है इन दैट केस पिंक बॉल नहीं हो पाएगा बिकॉज 5 के मल्टीपल में होना चाहिए. अगर रेड आपके पास 2 है तब भी नहीं हो पाएगा. अगर रेड आपके पास 3 है मतलब 9, तब भी नहीं हो पाएगा. अगर रेड आपके पास 4 है तब पिंक बॉल्स 2 हो पाएंगी, है ना. अगर रेड आपके पास 5 है 15, तब भी नहीं हो पाएगा. अगर रेड आपके पास 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएंगे. तो ये आपके पास मतलब किसी भी बॉक्स में कंडीशन नहीं बननी चाहिए, ठीक है. ये आपके पास कंडीशंस दी हुई है. अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए. अगर हम अरेंजमेंट लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. अगर हम बात करें इस कंडीशन से तो देखिए ये आपके पास कहाँ कहाँ आ सकता है.
अगर इन केस मैं मान लेते हैं आपके पास 3 5 ये है, ठीक है, और 2 आपके पास ये है, फाइन। तो इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सी की, तो सी आपके पास कहाँ आ सकता है? देखिए सी 5th पर नहीं आ पाएगा, सी 4th पर नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पर आपके पास रेड बॉल्स 5 हैं। सी यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज आपके पास पिंक बॉल ऑड है। तो अगर इन केस में सी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप डी और ई को कहाँ पर पुट करा सकते हैं? आपके पास ई यहाँ पर नहीं आ सकता, 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 ई यहाँ पर, और डी यहीं पर आ सकता है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बी देखिए, आपके पास बी के पास 3 बॉल्स हैं, तो बी यहाँ पर नहीं हो सकता, बी यहाँ पर होगा, बट हम जानते हैं कि वो लेफ्ट एंड पर नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग, मतलब सी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं इनकेस सी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो आप देखिए, ओके, अगर इनकेस सी यहाँ पर है तो आपके पास इसमें रेड 5 बॉल्स हो जाएंगी। फिर अगर हम बात करते हैं डी और ई की, तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता, आपके पास डी यहाँ पर आ सकता है, अगर हम पुट करें डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, ठीक है, तो बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा और ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। बट इस केस में अगर हम देखें, इसका वर्थ तो 34 है लेकिन 5 के मल्टीपल में होना चाहिए था, इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, तो डी और ई आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर इन केस सी यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 5 यहाँ पर है, तो देखिए क्या मैं डी ई को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? नहीं करा सकता हूँ। डी ई आपके पास यहाँ पर आ सकता है, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, उसने क्या बोला था कि अगर सी एंड पर है तो ई आपके पास एंड पर नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग। इसके अलावा अगर हम देखें, डी ई को और कहीं पुट नहीं करा सकते, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो यहाँ से हम एक चीज़ कन्फर्म होगी क्या, कि आपके पास ये जो कंडीशन थी वो आपके पास 5th और 3rd पर तो नहीं लग पाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, ओके, अगर इन केस मान लेते हैं 2 यहाँ पर, ठीक है, और 3 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, सी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सी यहाँ पर है तो इसमें आपके पास 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डी ई की, तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर नहीं आ सकता, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ को देखिए, यहाँ पर अगर मैं डी का वर्थ देखूँ कितना हो गया आपके पास, 15 प्लस 20 35 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम वर्थ किसी एक बॉक्स का क्या हो सकता है? आपके पास या तो ये 5 ये 4 हो, या फिर आपके पास ये 4 ये 5 हो, है ना। अगर ये आपके पास 4 और 5 है, मतलब ये आपके पास 12 हो गया, ये आपके पास 25 हो गया, कितना 37 बन रहा है। लेकिन एक चीज़ को देखिए, यहाँ पर आपके पास 3rd में, मतलब सी में, जो पिंक बॉल्स हैं वो कितनी हो गई है, 5 हो गई है, राइट। इसका मतलब आपके पास ये वाली कंडीशन तो कहीं पर बन ही नहीं पाएगी ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब दो बॉक्सेस में सेम कलर की जो बॉल्स है वो सेम नहीं हो सकती हैं। तो अगर आपके पास ये 3 5 बन गया है तो यहाँ पर 4 और 5 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम तो आपके पास यही बन पाएगा, ठीक है। तो आपके पास डी जो है वो मैक्सिमम बन रहा है, लेकिन उस टाइम से क्या हो रहा था कि जो डी का वर्थ है वो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपके पास ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, आपके पास सी यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर इन केस में सी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, ओके, अगर सी आपके पास यहाँ पर है तो ये आपके पास इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डी और ई की बात करता हूँ, ई यहाँ पर नहीं हो सकता, ई यहाँ पर नहीं हो सकता, ई आपके पास यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, तो ई यहाँ पर और डी आपके पास यहाँ पर हो गया, फाइन, ये आपके पास नंबर ऑफ पिंक बॉल्स 4 हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बी के पास 3 बॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास बी यहाँ पर हो पाएगा और ए आपके पास यहाँ पर हो पाएगा। लेकिन फिर से वही चीज़ देखिए, बी आपके पास एंड पर हो नहीं सकता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा हम सी को और कहीं पुट नहीं करा सकते, इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो
टू और थ्री फाइव वाली कंडीशन है, ये वन और थर्ड पर भी नहीं लग सकती, सिर्फ हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बचती है टू और फोर वाली, तो वहाँ पर हम इसको पुट करा कर देखते हैं। देखिए ओके, तो अगर इन केस टू यहाँ पर है और थ्री फाइव आपके पास यहाँ पर होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी देखिए आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, फाइन। अगर इन केस सी यहाँ पर है तो ये आपके पास फाइव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं डी ई की, तो ई यहाँ पर नहीं आ सकता, ई यहाँ पर नहीं आ सकता, ई यहाँ पर नहीं आ सकता, ई यहाँ पर और डी आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ये फोर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखो आपके पास बी सिर्फ यही हो सकता है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब किसकी, पिंक पॉल्स की, तो पिंक पॉल्स देखिए आपके पास वन रिमेनिंग है, टू हो चुकी है, थ्री रिमेनिंग है, फोर हो चुकी है, फाइव हो चुकी है, ठीक है। तो बी में आपके पास कितनी आ सकती है, सिर्फ वन ही तो आ पाएंगी ना, बिकॉज टोटली आपके पास बी में फाइव है और थ्री है, तो ये आपके पास टू हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ई में आपके पास नंबर ऑफ पिंक बॉल्स कितनी हो जाएंगी, थ्री हो जाएंगी, ठीक है। फिर अगर मैं रेड बॉल्स की बात करता हूँ, आपके पास देखिए कौन कौन सी रह गई है, वन रह गई है, फाइन, टू हो चुकी है, थ्री हो चुकी है, फोर रह गई है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पास इसमें क्या आ पाएगा, सिर्फ वन ही तो आ पाएगा ना, ये आपके पास वन हो गया और फोर आपके पास यहाँ पर आ पाएगा। अब देख लीजिए इसमें फोर और टू वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली ना, जो कि हो नहीं सकती है, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी, राइट, मतलब सी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम सी को यहाँ पर पुट करा कर देखते हैं, देखिए ओके। अब अगर मैं सी की बात करूँ, सी आपके पास देखो यहाँ पर नहीं आ सकता, हमने चेक कर लिया, यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, है ना, तो सी आपके पास यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा बिकॉज ये आपके पास इवन है, तो सी के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है, सी यहाँ पर, फाइव आपके पास यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं डी और ई की बात करता हूँ, तो डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, तो डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ पिंक पॉल्स फोर हो जाएंगे, तो बी आपके पास यहाँ पर आएगा, ए आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ पिंक पॉल्स बी में कितनी हो सकती है, देखिए आपके पास वन बची हुई है और थ्री बची हुई है, तो ये आपके पास वन हो जाएगा और ये आपके पास फिर टू हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स की, तो आपके पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स देखिए कौन कौन सी बची हुई है, वन बची हुई है, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर बची हुई है ना, यहाँ पर फोर आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर आपके पास फोर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें वन टू थ्री, थ्री आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा है, ठीक। थैंक यू सो मच।